नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के कई बच्चे बोल रहे थे, सर टाइपिंग पे एक वीडियो बना दीजिए कि क्या एक्यूरेसी होती है, टाइपिंग का फॉन्ट क्या होता है, आपका एक तरह से बोला जाए कि किससे कहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, टाइपिंग हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या एक दो महीने में टाइपिंग सीखी जा सकती है। अलग अलग प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस थे वो सभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप सभी को क्वेश्चंस का जवाब दूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी की टाइपिंग में आपको कितना मेहनत करना है, क्या क्या आपको सोचना है, सब कुछ ए टू जेड आपको यहाँ समझाऊंगा। तो जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप यहाँ परीक्षा प्लस ऐप पे जाइए या परीक्षा प्लस वेबसाइट पे जाइए। हमारा बैच चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, पूर्णतः एकदम ऑफर प्राइस है। वहाँ आप परीक्षा प्लस वेबसाइट ओपन करेंगे, जूनियर असिस्टेंट का बैच एकदम ऑफर 299 रुपये में आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का बैच दिखेगा। यहाँ पर जब जाएंगे यहाँ यूपी ट्रिपल एससी वाले बैच में, यहाँ यूपी ट्रिपल एससी के बैच में जाइएगा, यहाँ देखिए जूनियर असिस्टेंट न्यू बैच 2.0। इस बैच की खासियत यह है, जैसे व्यू डिटेल करेंगे कि इसमें हम आपको पुरानी क्लासेस भी दे रहे हैं, जो पुराना हमारा बैच हो चुका है जो पहला वाला, और प्लस उसकी क्लास लाइव क्लासेस भी होंगी जो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी जो लाइव चल रही हैं, और पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। इसमें आपको हम सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं, डाउट सेशन भी आपका लेंगे, और सेक्शनल टेस्ट आपके यहाँ टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट आपको दिया जाएगा। तो ये पूरा कोर्स के बारे में आपको बताया गया है। आपको कोई दुविधा कोई दिक्कत है तो आप जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या इसके बारे में, इस बैच के बारे में जो भी दिक्कत है, बाकी आप यहां से इस बैच से जुड़ सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं कि आप लोगों के सवाल जो थे टाइपिंग से रिलेटेड उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही था कि जो बच्चे फ्रेशर हैं वो कहते हैं कि सर क्या दो महीने में सीख सकते हैं टाइपिंग, दो महीने में सीख सकते हैं टाइपिंग, उनका सवाल है। तो हाँ, आप दो महीने क्या, ऑलमोस्ट ये मानिए 1 मंथ में आप अपने की जो है आप सीख सकते हो, और सीखना किस पर है ये भी मैं बता दूंगा। 1 महीना में आप सिर्फ कीबोर्ड को प्रैक्टिस देख लोगे, क्या हिंदी उसका लेआउट क्या है, अगर मंगल सीख रहे हो तो मंगल का लेआउट, कृति देव सीख रहे हो तो कृति देव का लेआउट, लेकिन वही आपको लैंग्वेज टाइपिंग सीखिएगा जो मैक्सिमम जगह यूज हो। मेरा मानना यह है कि आप मंगल फॉन्ट पे सीखिए, मंगल इंस्क्रिप्ट पे, वो मैक्सिमम जगह यूज होता है। तो आप 1 महीना आपको लगेगा बस कीज को लेने में, यहाँ पर कीज आपके क्या है, कहाँ पे कौन सी कीज होती, बस उतना याद आ गया, बाकी तो आपको स्पीड बनाना है। तो आप आराम से 1 महीने में टाइपिंग कर सकते हैं। 1-1.5 महीना अगर 7 से 8 घंटा देते हो, 6 से 7 घंटा, तो आपकी स्पीड भी आ जाएगी जनरल, और इंग्लिश के लिए तो कोई फॉन्ट की इशू ही नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपके सवालों का मैं जवाब बताऊं कि आप आराम से सीख सकते हैं, आपका फॉन्ट क्या होगा, बच्चे पूछते हैं सर फॉन्ट कौन सा फॉन्ट हम यहाँ पर यूज करना है, यूपी ट्रिपल एससी में कौन सा फॉन्ट मांगता है, आप दोनों में से कोई एक फॉन्ट सीख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ मंगल इंस्क्रिप्ट की बात करें तो मंगल इंस्क्रिप्ट मैक्सिमम जगह लगता है। अगर कोई नया सीखना चाहता है मैं उसे यही सजेशन दूंगा कि मंगल इंस्क्रिप्ट सीखिए, क्योंकि आपके यूपी पुलिस में भी लगता है और भी जितने केंद्रीय लेवल पे एग्जाम होते हैं उन पे भी यही मांगता है। लेकिन यहाँ यूपी ट्रिपल एससी में आपको मंगल इंस्क्रिप्ट या कृति देव 010 या 016 जो है, आप ये दोनों आप सीख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। 010 सीखो या 016 सीखो, आपका सेम चीज है, आप इन दोनों में से कोई एक सीख सकते हो, दोनों सीखने की जरूरत नहीं है। दोनों आपको यूपी ट्रिपल एससी देता है कि इनमें से आप जिसमें आपको टाइपिंग आती है आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर है क्या टाइपिंग दोनों लैंग्वेज में देना है, ठीक है, लैंग्वेज मतलब क्या आपका टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में देना है, तो हाँ आपको दोनों लैंग्वेज में देना है, आपको टाइपिंग दोनों लैंग्वेज में देना है, टाइपिंग इंग्लिश यहां पर दे दिया, हाँ इसका आंसर यस, दोनों लैंग्वेज में देना है आपको। इसका आपका इंग्लिश का स्पीड आपसे मांगा है 30 वर्ड पर मिनट,
और हिंदी की स्पीड आपकी मांगी है 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये आपको स्पीड बना के रखना है। स्पीड कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। क्या बैक स्पेस अलाउ है? जब टाइपिंग करेंगे तो कोई गलती हो जाए तो बैक स्पेस अलाउ है? तो यस, इसमें आप बैक स्पेस अलाउ है। आप कोई भी चीज गलत हो जाती है तो आप बैक स्पेस से उसको डिलीट करके सही कर सकते हैं। तो ये चीजें एकदम घबराइएगा मत। जब टाइपिंग आप करते हो तो बैक स्पेस अलाउ होता है। आपको सॉफ्टवेयर भी मैं बता दूंगा, वहां पर एज इट इज सॉफ्टवेयर वही वैसा ही आपको आयोग के द्वारा भी मिलता है। क्या टाइपिंग करते समय वर्ड हाईलाइट होंगे? तो यस, वर्ड हाईलाइट होंगे। रेड और ग्रीन कलर से आपके वर्ड हाईलाइट होते हैं। रेड अगर आपने कोई गलत टाइप कर दिया है, कोई वर्ड गलत है, तो वो गलत रेड से होगा। ग्रीन आपके जो टाइप करते जा रहे हो सही वर्ड जो होंगे वो आपके हाईलाइट होते रहते हैं। तो ये हाईलाइट का भी प्रॉब्लम है। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी वाला मैं अभी बाद में पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, एक्यूरेसी के बारे में, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है? तो 5 मिनट आपको मिलता है। यहां पर टाइपिंग के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 5 मिनट का समय आपको रहेगा, आपको जो भी पैराग्राफ आएगा 5 मिनट में लिखना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड क्या होती है, यहीं पर मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा कि एक्यूरेसी क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपको मैं सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आप प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो कि बेस्ट सॉफ्टवेयर आपका प्रैक्टिस का कौन कौन सा हो सकता है। तो एक तो आपका indiatyping.com है, इसको लिख लो आप indiatyping.com, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में आप टाइपिंग मास्टर और सोनी ट्यूटर टाइपिंग करके होता है वो, आप ध्यान, टाइपिंग ट्यूटर करके सॉफ्टवेयर होता है, ये पेड होता है और ये फ्री होता है, ये आपका फ्री होता है और ये 200 या 300 रुपया महीना आपका लगेगा, तो वो हिसाब से होता है। फ्री वर्जन भी इसका क्रैक वर्जन मतलब एक ट्रायल पीरियड वाला ये होता है, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री है। बाकी आपके कुछ वेबसाइट वेब एप्लीकेशन जो होते हैं वो indiatyping.com, typingwala.com, ठीक है, typingwala.com, ये सब आप है ना, यहां से आप टाइपिंग कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हो गए, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर मेन है कि नेट स्पीड या ग्रॉस स्पीड क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी की जो आप लोग पूछ रहे थे कि कितनी एक्यूरेसी हमें रखनी है यहां पे टाइपिंग करते समय, तो एक्यूरेसी आपको कितनी रखनी है वो यहां पर ध्यान दो। जैसे आपका नेट स्पीड या ग्रॉस स्पीड कौन क्या लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे ग्रॉस स्पीड नहीं लिया जाता है, नेट स्पीड कैलकुलेट किया जाता है आपका। वो दोनों होता क्या है ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपसे हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपसे क्या मांगा है, हिंदी की टाइपिंग स्पीड मांगा है 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। अब वर्ड कैसे काउंट होता है ये मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप जैसे करेक्ट वर्ड पर मिनट कैसे निकाला जाता है, ये जैसे मैंने लिखा है क्या होता है नेट स्पीड, ये आपका मैंने लिखा कुछ भी, ठीक है, ग्रॉस स्पीड। तो यहां पे इसको मैंने अगर जनरली हम लोग काउंट करेंगे तो एक एक वर्ड होगा, ये दूसरा वर्ड होगा, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड, ये पांचवा वर्ड, हम कहेंगे इसमें 5 वर्ड है, ऐसे वहां पे टाइपिंग में काउंट नहीं होगा कि 1 2 3 4 5, इसको हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, लेकिन टाइपिंग में ऐसे वर्ड नहीं काउंट होता। उसमें क्या होगा कि आप कितने करेक्टर यहां पर लगाए हो, कितने करेक्टर हैं, 1 2 जितने भी आपने करेक्टर लिखे हैं इन सबको, 1 करेक्टर 2 करेक्टर 3 4 स्पेस को भी काउंट करता है। तो मान लो अगर यहां से यहां के बीच में करेक्टर में बताऊं 1 2 3 4 1 2 3, एक स्पेस हो गया 4 5 6 7 8 9, 9 करेक्टर हो गया ना। तो जो आप करेक्टर होता है उस पूरे नंबर ऑफ करेक्टर को, आप नंबर ऑफ करेक्टर जो होगा
जितने भी करेक्टर होंगे उनको डिवाइडेड बाय 5 किया जाता है, फिर जो निकलता है वर्ड उसे वर्ड कहा जाता है, और इसी को सीपीएम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसी को आपका सीपीएम कहा जाता है, इसी को सीपीएम कहा जाता है, करेक्टर पर मिनट आपका कहा जाता है। इतने करेक्टर पर मिनट आपका है तो आप सही हो। जैसे अगर 25 वर्ड पर मिनट आपको ले आना है तो आपने कितने करेक्टर अगर टाइप किए होंगे, 125 करेक्टर। अगर 125 करेक्टर स्पेस स्पेस लेकर अगर आप सही सही टाइप किए हो, नेट आपका 125 करेक्टर पर आएगा, तब इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 25, तो 25 वर्ड पर मिनट ये स्पीड आएगी। ये आपकी होती है क्या, आपकी स्पीड होती है, तो ये होना चाहिए। सपोज करिए आपने टाइपिंग किया, मेरी बात समझिए, आपने एक एक की स्ट्रोक, जानते हो ना की स्ट्रोक का मतलब, जैसे ए बी सी जो टाइप कर रहे हो, फिर स्पेस मार लिए डी, फिर स्पेस मार लिए ई, तो ऐसे सभी को काउंट किया जाता है स्पेस के साथ। तो मान लो आपने 140 की स्ट्रोक किया है, आपने 40 की स्ट्रोक या करेक्टर किया है, आपने टाइप किया 140, और इसमें से आपने एक 20 गलती कर दी, तो 140 आपने की स्ट्रोक किया, अब वर्ड कितना आएगा इसका, तो इसकी जो ग्रॉस स्पीड आएगी, ग्रॉस स्पीड क्या आएगी आपको दिखाता है उसमें, 140 बटे में 5 करेंगे यहां पर, ठीक है, 5 × 2 = 10, 14 × 2 = 28, यहां आई स्पीड 28 वर्ड पर मिनट। और आपका हिंदी की टाइपिंग की स्पीड मांगा जाता है 25 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी का मतलब नहीं होता है, मेन होता है वर्ड पर मिनट का। तो आपने 20 गलतियां कर दिया, यहां पे अभी आपका 28 वर्ड पर मिनट आया, तो इसको ग्रॉस स्पीड कहते हैं। जितना आपने करेक्टर टाइप किया उसको 5 से डिवाइड करने के बाद जो आया, तो वो आपका अब स्पीड आ गया 28 वर्ड पर मिनट। लेकिन आप जो टाइप करोगे, ऐसा तो है नहीं कि सब सही ही टाइप करोगे, कुछ गलती भी होगी। मान लो आपने 20 गलती कर दिया, 20 आपने गलती कर दिया यहां पर, तो आपका क्या हो जाएगा, 140 करेक्टर में से 20 करेक्टर गलत हो गया, आपका 20 करेक्टर गलत हो गया, 20 की स्ट्रोक आपका गलत हो गया, तो 120 हो जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसमें से जब 5 से डिवाइड करोगे इसको, 5 × 2 = 10, 12 × 2 = 24 आ जाएगा आपका यहां पर। अब ये जो 24 आया, आपसे मांगा है 25 वर्ड पर मिनट, आ गया आपका 24, इसी को कहा जाता है नेट स्पीड, यही आपकी नेट स्पीड होती है। तो नेट स्पीड आपका मांगा था 25 वर्ड, और आपकी गलती होने के कारण आपकी नेट स्पीड घट के आ गई 24, तो आप हो जाओगे टाइपिंग में फेल, मेन माजरा इसका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टाइपिंग करते समय यह ध्यान रखना कि गलती कम करिएगा, गलती जब कम करेंगे तभी जो ये आपका नेट स्पीड निकल के आएगा, जो आपका यहां पर सीपीएम हम निकालते हैं करेक्टर पर मिनट वाला, वो आपका कितना होना चाहिए, 125, अगर ये 125 करेक्ट आ रहा है आपका, तभी आपकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि की स्ट्रोक क्या होता है, की स्ट्रोक एक एक की जो प्रेस करते हो, चाहे वो स्पेस हो चाहे जो भी हो, जो आपका वहां पे लगा रहता है आपके पैराग्राफ में टाइपिंग के समय, तो वो सभी की स्ट्रोक में काउंट होंगे, उनको 5 से डिवाइड करने पे आपका नंबर ऑफ वर्ड आता है, ठीक है। और वही वर्ड अगर आपका जो दिया गया है क्राइटेरिया उसको फॉलो करता है तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है। ग्रॉस स्पीड नहीं लिया जाता, नेट स्पीड लिया जाता है। ग्रॉस स्पीड में आपकी गलतियां भी होती हैं, गलतियों को हटाकर नेट स्पीड बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम आते हैं कि बाकी आपके सब सवाल हो गए कि टाइपिंग ड्यूरेशन क्या हो गया, टाइमिंग क्या होगा आना चाहिए, सॉफ्टवेयर में किसने प्रैक्टिस करें, आप जो बच्चे अगर फ्रेशर हैं उनके लिए क्या होगा, वो क्या टाइपिंग सीख सकते हैं, एकदम सीख सकते हैं डेडिकेटली। आप अगर 20-25 दिन सिर्फ आप जाके इंस्टीट्यूशन में जाना, आप इंस्टीट्यूट पकड़िए टाइपिंग के लिए, और वहां पर बस लेआउट इतना समझ लीजिए जिस भी लैंग्वेज का, जैसे कृति देव का करना है या मंगल का, इंस्क्रिप्ट का करना है, तो आप उसका लेआउट कीवर्ड का एक बार समझ लीजिए, बाकी तो आपको सिर्फ स्पीड बनानी है।
और स्पीड मात्र एक महीना आप दिनों रात अगर 5-6 घंटा 7 घंटा दे देते हैं तो अपने आप आ जाएगी। तो 2 महीना में आप एकदम परफेक्ट स्पीड जो मांगा है वो आ जाएगा। हिंदी में थोड़ी मेहनत है, इंग्लिश में आपको मेहनत ही नहीं है क्योंकि इंग्लिश का कोई फॉन्ट ही नहीं होता है, जो आपके कीबोर्ड में दिखता है वैसे ही टाइप करना है। तो ऑलरेडी अभी आपको कह दिया जाए टाइप करो तो 10-12-15 की स्पीड सबकी आती होगी। तो इंग्लिश के लिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आप जैसे खुद जब कि हिंदी की टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे अपने आप की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, तो वो आपकी इंग्लिश भी अपने आप इन्हेंस हो जाएगा। 30 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया है। तो पूरा जितना भी आपके क्वेश्चंस थे टाइपिंग से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करने का भी बता दिया कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, सॉफ्टवेयर भी बता दिए, फ्री वाले भी बता दिए, पेड वाले भी बता दिए। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। बाकी जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं मैंने शुरू में ही बता दिया कि आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 299 रुपये में, फुल्ली पूरा बैच है, इसमें आपको लाइव क्लास और हमारा जो पहला एक बैच हो चुका उसकी भी क्लासेस आपको दी जा रही है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों दिया जा रहा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और परीक्षा प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है आप लोगों को तो आप इन नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ये 91-29-69-70-80। बाकी जो भी और कोई समस्या तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम वीडियो के माध्यम से उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।